मैम मेरे ऐसे कभी जहन में नहीं आया कि मेरे को टीवी छोड़ के अभी ओटीटी करना है। एक तो ओटीटी का एक मसला ये भी है कि दैट इफ़ आई एम डूइंग एनीथिंग ऑन ओटीटी आई विल हैव टू लीव टीवी बिहाइंड। मैंने मराठी बिग बॉस किया है तो बिग बॉस की तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ। देखो इस साल तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे एंटरटेनर्स हैं, चाहे वो मुनावर हो, मनारा हो, अंकिता हो, विक्की हो, ऐश्वर्या नील, खानजादी। देखो हर साल कोई ना कोई कॉन्टेस्टेंट तो ऐसा होता ही है जो पिछला साल देख के आता है और उस हिसाब से बिहेव करता है, तो इट इज़ वेरी नेचुरल। मुझे ऐसा लगता है इस साल ना ट्रॉफी अगर जानी चाहिए तो वो खुद बिग बॉस को जानी चाहिए, बिकॉज बिग बॉस हिमसेल्फ इज़ सो एंटरटेनिंग दिस ईयर। नीरजा के बाद थोड़ा सा चिल कर रही हूँ घर पे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। अभी हम लोग ने एक छोटा सा प्लान बनाया घूमने का, तो बस यही चल रहा है। न्यू ईयर्स पे मैं घर से बाहर नहीं निकलती, कहीं नहीं जाती। बहुत रश होता है, बहुत क्राउड होता है, एंड आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु लव टू सोशलाइज बट इन अ काम एंड पीसफुल वे। आई थिंक इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी इमोशनल, वेरी यू नो स्टोन ऑन माई हार्ट बोलते हैं ना, ऐसे टाइप्स की एक जर्नी थी नीरजा की। जो कैरेक्टर जहाँ से शुरू हुआ प्रतिमा का, इट वॉज वेरी इमोशनल एंड इट हैड सो मेनी लेयर्स ऑफ इमोशंस एंड यू नो मोमेंट्स एंड फीलिंग्स। तो अमेजिंग जर्नी थी नीरजा की। आई मीन आई एम रियली ब्लेस्ड एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हैव बीन पोर्ट्रेट दिस कैरेक्टर। मेरी सबसे बेस्ट बॉन्डिंग जो थी नीरजा से ही थी, चाहे वो छोटी नीरजा हो या बड़ी नीरजा, मेरी बॉन्डिंग दोनों के साथ बहुत अच्छी थी एंड होनी भी थी, क्योंकि हमारे सीन्स भी उस हिसाब से होते थे और बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग स्पेंड करते थे। सो हाँ, बॉन्डिंग मेरी नीरजा से हुई। देखो मिस तो होता ही है थोड़ा बहुत, मतलब मेरे लिए सबसे ज़्यादा मिसिंग पार्ट ये होता है कि दैट यू नो आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड यू नो एक वो चैलेंज होता है कि आज जाके क्या परफॉर्म करना है, क्योंकि हमारे सीन्स भी बहुत डिफ़िकल्ट होते थे, तो वो एक चैलेंज है जिसको मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। बट नथिंग टू वरी, आई विल सून गेट बैक टू वर्क, क्योंकि मैं काम के अलावा मतलब आई कॉन्ट स्पेंड टाइम ऐसे विदाउट वर्क ज़्यादा। आई थिंक मैं मतलब ऐसे एक दो साल पहले मैं ऐसे ही सोच रही थी कि मैंने कभी किसी पुलिस ऑफिसर का रोल कभी नहीं प्ले किया, तो आई डोंट माइंड, मतलब लेट्स सी, लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस्ड। बट बहुत रेयर शोज़ बनते हैं पुलिस ऑफिसर्स पे या लेडी, जो अभी भी एक चल रहा है, एक पहले कॉमेडी शो भी आता था, बहुत मज़ा आता था देखने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे थोड़ा सा यूनिक डिफरेंट टाइप्स कुछ करना चाहिए। मैम मेरे ऐसे कभी जहन में नहीं आया कि मेरे को टीवी छोड़ के अभी ओटीटी करना है। एक तो ओटीटी का एक मसला ये भी है कि दैट इफ़ आई एम डूइंग एनीथिंग ऑन ओटीटी आई विल हैव टू लीव टीवी बिहाइंड, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि अगर मेरे को ओटीटी करना है तो वो एक प्रोजेक्ट काम, मतलब यू नो एक प्रोजेक्ट को पोस्ट प्रोडक्शन, एग्जीक्यूशन एंड प्री प्रोडक्शन में आने, इस जर्नी को 2.5-3 साल लग जाते हैं। उसके बाद एक वो एक प्रोजेक्ट, इट्स मोर लाइक अ फिल्म एंड आई डोंट थिंक दैट आई एम रेडी टू इन्वेस्ट माय 3 ईयर्स फॉर वन प्रोजेक्ट, बिकॉज आई एम अ वर्कहोलिक पर्सन। अगर मेरे काम के साथ साथ मुझे ऐसा कोई ऑफर आता है देन वाई नॉट। मैंने मराठी बिग बॉस किया है तो बिग बॉस की तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ वैसे देखा जाए तो। सो मेरे को बिग बॉस अच्छा लगता है, मेरे को डांस रियलिटी शोज़ अच्छे लगते हैं। हुआ यूँ मेरे साथ हमेशा, जब भी कोई रियलिटी शो आया ना तब आई वॉज ऑलवेज बिजी विथ समथिंग एल्स। सो बट आई विल सम टाइम, अभी तक टाइम ख़त्म तो नहीं हुआ ना। नहीं ना 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 नो 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 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज। जाएंगे तो शुरू से ऐसा, हाँ तो मज़ा आता है ना।
कि मतलब सारे मतलब क्या मतलब है, आप अंदर सबकी दोस्ती हो गई, दुश्मनी हो गई, उसके बाद आप एंटर कर रहे हो और आप चूज कर रहे हो कि किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, किसके साथ दुश्मनी करनी चाहिए. नहीं, आई थिंक स्टार्टिंग से ही वो मतलब बोलते हैं ना, शुरू से, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो इज अमेजिंग. देखो इस साल तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे एंटरटेनर्स हैं, चाहे वो मुनावर हो, मनारा हो, अंकिता हो, विक्की हो, ऐश्वर्या, नील, खानजादी, मतलब अरुण फॉर दैट मैटर, एवरीबडी इज वेरी एंटरटेनिंग. अभिषेक, अनुराग, ऑल ऑफ देम आर वेरी एंटरटेनिंग एंड दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड दिस टाइम, यू नो. बट ये कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट भी हो जाता है कि आप इतने वेल प्रिपेयर्ड हो कि आपको पता है कि इस वक्त अभी ये करूँगा या ये करूँगी तो ये होगा, ऐसे वैसे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए. आई थिंक इट हैज़ यू हैव टू पुट योर सेल्फ थ्रू द जर्नी, मतलब थ्रू द मोमेंट्स, थ्रू द यू नो, वो एक रोड है जो आपको वॉक करना है. ऐसे नहीं कि अभी मैं ये, वो थोड़ा सा वो हो जाता है. बट एवरीबडी इज़ वेरी एंटरटेनिंग दिस ईयर एंड दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, दैट्स व्हाट आई फील. देखो हर साल कोई ना कोई कॉन्टेस्टेंट तो ऐसा होता ही है जो पिछला साल देख के आता है और उस हिसाब से बिहेव करता है, तो इट इज़ वेरी नेचुरल. बिकॉज अभी 17 सीजन्स, मतलब 16 हो गए, ये अभी 17 सीजन है, तो वो तो होगा ही कि मतलब कोई ना कोई तो पिछले सीजन का कॉपी करेगा ही. बट इसमें उनकी रियलिटी भी दिखी जाती है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं दिखी जाता है, क्योंकि 24 आवर्स यू कांट एक्ट. मैं हमेशा बोलती हूँ कि बिग बॉस में ना फर्स्ट एक महीना होता है एवरीबडी इज़ विद अ मास्क, बट जैसे ही एक महीना निकल जाता है ना, सबके मास्क धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाते हैं एंड उनकी रियलिटी भी कहीं ना कहीं दिखी जाती है. मुझे ऐसा लगता है इस साल ना ट्रॉफी अगर जानी चाहिए तो वो खुद बिग बॉस को जानी चाहिए, बिकॉज बिग बॉस हिमसेल्फ इज सो एंटरटेनिंग दिस ईयर. जो भी सरकास्टिक कमेंट्स आते हैं, जो ह्यूमर होता है, जो गेम प्ले हो रहा है, वो ज़्यादा बिग बॉस की तरफ से ही हो रहा है, उसमें ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है. मतलब मैं तो वेट करती हूँ कब बिग बॉस की आवाज़ आएगी और वो कुछ बोलेंगे. पता नहीं, मैंने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया, मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं फिर से जाऊँ. देखो मेरे घर पे सारे बिग बॉस के फैंस हैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन, सब बिग बॉस देखते हैं, तो उनके लिए तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि फैमिली से परमिशन नहीं है. बट हाँ, उनका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनकी तरफ से, जो मेरी मम्मी बोलती है कि ये तुमको डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा. फैंस को मैं ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू वेरी मच, आपने मुझसे इतने साल इतना प्यार किया एंड मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मतलब लोग वेट करते हैं कि मैं कोई शो करूँ, कोई प्रोजेक्ट करूँ एंड दे गेट टू सी मी एक्ट एंड परफॉर्म. मेरे लिए, मेरे टैलेंट के लिए ये सबसे बड़ी बात है. दे अप्रिशिएट माई कैरेक्टर्स, दे लव मी सो मच. मुझे ऐसा लगता है कि ये प्यार बरकरार रहना चाहिए और मैं भी उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी. सो थैंक यू वेरी मच.